अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 405 का लेसन नंबर 31, जिसके अंदर हम लेसन नंबर 30 जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ है टेंशन रिडक्शन। टेंशन रिडक्शन में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि जब इंसान अपने नीड्स को पूरा करना चाहता है, ठीक है, जब इंसान के अंदर उसकी नीड अराइज होती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि एक टेंशन भी क्रिएट होती है साहब। अगर आपको कोई चीज जो है वो फुलफिल करनी है, कोई जरूरत है आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो जैसे ही वो आपके अंदर अराइज होगी, साथ के साथ ही आपके अंदर टेंशन भी अराइज होगी कि आपने इसको पूरा करना कैसे है। और फिर जब आप उस नीड को पूरा कर लेते हैं, फिर आपकी टेंशन जो होती है वो रिड्यूस होती है। आगे थीमा। थीमा उन्होंने क्या, हम देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक इंटरेक्शन है नीड्स और प्रेस के दरमियान। अब प्रेस क्या है कि अगर हम कोई भी नीड को पूरा करना चाहते हैं, पिछले में हमने पढ़ा कि उससे टेंशन अराइज होती है जब नीड इंसान के साथ इंसान के अंदर अराइज होती है, और जब इंसान नीड को पूरा करने निकलता है तो इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो दैट्स कॉल्ड प्रेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है और आप फेल हो जाते हैं, तो वो एक प्रेस है आपके लिए, और इसका नीड और प्रेस के इंटरेक्शन को थीमा कहते हैं। नीड इंटीग्रेट। नीड इंटीग्रेट है, फिर वही बात आ जाती है कि जो भी थीमेटिक डिस्पोजिशन जिसमें एक नीड, एक सर्टेन नीड की इंट्रैक्शन इंसान के अंदर जो है वो जन्म लेती है, एक नीड इंसान के अंदर जो है वो पैदा होती है, उसको नीड इंटीग्रेट कहते हैं। किसी भी किस्म की नीड आपके अंदर अराइज करती है। वेक्टर वैल्यू स्कीम। वेक्टर वैल्यू स्कीम में मैरे ने कहा कि जो भी इंसान की बिहेवियरल टेंडेंसीज है उसको रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, और वेक्टर को क्या रिप्रेजेंट करती है, इंसान की फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज होती है उसको उन्होंने वेक्टर्स को उन्हें उन्होंने वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया। और वेक्टर के अंदर क्या आ जाता है कि रिजेक्शन, रिसेप्शन, कंस्ट्रक्शन, कंजर्वेशन, एक्सप्रेशन, डिफरेंट चीजें उन्होंने लिखी हुई है। और जो हमारी वैल्यूज है हमारी बॉडी की, उसके अंदर हमारे फिजिकल, हमारी प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, नॉलेज, एस्थेटिक फॉर्म, आइडियोलॉजी, हर चीज शामिल होती है। और उन्होंने कहा कि इसी तरह वेक्टर और वैल्यूज भी एक मैट्रिक्स होता है, जिस तरह जो हमारे रोज और कॉलम हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, जो फिर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियर को और हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज को, और जिससे जो भी हमारी पर्सनैलिटी होती है जिसको वेक्टर और वैल्यूज का नाम दिया, वो फिर हमारी पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर होते हैं, एबिलिटीज, अचीवमेंट्स होती है। जेनेटिक मैच्योरेशनल डिटरमाइनर्स। जेनेटिक्स मैच्योरेशनल डिटरमाइनर्स, इसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह इंसान जो है मच्योर होता है, उसके इन्होंने स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जब इंसान बचपन में होता है, इंसान मतलब कि चाइल्डहुड बताया हुआ, जिसमें इंसान गलतियां करता है, उसे नहीं पता चलता वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है। एडोलेसेंस क्या होता है, जिसके अंदर इंसान इतना समझदार हो जाता है कि वो अपनी ये पहचानता है कि उसके लिए गलत क्या है और ठीक क्या है, और अपनी गलतियों से सीखता है। उसके बाद यंग एडल्टहुड, जो एक न्यू स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, जिसके अंदर इंसान अपने आप में फिर चेंजिंग नहीं ला सकता, उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें उसने जो किया होता है पीछे, उसको उसी के साथ अपनी लाइफ को गुजारना पड़ता है। जिन्होंने लिखा भी हुआ कि फाइनल ईरा के अंदर इंसान की न्यू कंपोजिशन की कैपेसिटीज जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाती है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जिसके अंदर इंसान सीखता है, ठीक है, और फिर इंसान ये समझता है कि जिस तरह उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये लर्निंग में ये कंसिस्ट करता है कि कुछ भी अगर आप डिस्कवर करते हैं किसी चीज के, और किस चीज के जनरेट होने से आपको खुशी मिलेगी और किस चीज के जनरेट होने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप इतने समझदार होते हैं और आप सीख भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट एक्सपीरियंस की मेमोरीज से भी सीखते हैं। और लर्निंग में भी ये होता है कि या तो आपको कोई काम करने से खुशी मिलती है या कोई काम करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और अगर किसी काम से आपको डिस्ट्रेस होना पड़ता भी है तो आप उससे सीखते हैं। इसमें अगर दो टर्म्स उन्होंने बताई हैं, स्पेक्टिव, जो आपके करंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी करंट लाइफ गुजर रही है, या तो आपकी अच्छी गुजरी होगी या आपको मुश्किलात होंगी। और प्रोस्पेक्टिव क्या होती है, इसमें आपके फ्यूचर की एंटिसिपेशन शामिल होती हैं कि फ्यूचर में आपका आप मतलब खुशी से अपनी जिंदगी को गुजारेंगे या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यूनिकनेस क्या होता है, मरे ऑलवेज मेंटेन द एसेंशियल यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन एंड इवन ऑफ ईच बिहेवियरल इवेंट एंड अ सेल्फ एविडेंट फैक्ट। इसमें सिंपल उन्होंने कहा है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिकनेस होती है, हर इंसान दूसरे इंसान से चेंज होता है, हर इंसान का बिहेवियर दूसरे से चेंज होता है, हर इंसान एक सेल्फ एविडेंट होता है। सिंपल कि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वह दूसरे से डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो एक अलग किस्म की यूनिकनेस रखता है। डिफरेंट लोग डिफरेंट यूनिकनेस रखते हैं।
अनकॉन्शियस प्रोसेस, फ्राइड ने भी अनकॉन्शियस पे बात की थी, जिसमें कहा कि मरे वो मरे ने सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल इंसान के अंदर अनकॉन्शियसनेस बिहेवियर होते हैं, इंसान के अंदर अनकॉन्शियस सोच होती है जो उसको कुछ ना कोई बिहेवियर परफॉर्म करने पे फोर्स करती है, और फिर वो जब आप अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं तो या तो आपको रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है या रेजिस्टेंस का। द सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सोसाइटल सर्कल, ठीक है, सोसाइटी का सर्कल, सोशल सर्कल, जिसमें ये होता है कि सोशल सर्कल में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल इंसान का सोशल सर्कल क्या होता है कि जब वो पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो वो स्कूल से सीखता है, फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है उसके फ्रेंड्स का ग्रुप सर्कल बनता है, वो उनसे सीखता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंचता है कि उसका इतना बड़ा सोशल सर्कल होता है कि डिफरेंट किस्म के लोग उसकी लाइफ में पाए जाते हैं। तो ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है जो कि इंसान की जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है, डिफरेंट लोगों में इंटरेस्ट और डिफरेंट डिमांड्स एंड सारा कुछ। आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए रिसर्च और रिसर्च मेथड के, इसके आप लोग नाम याद कर लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हैं। इंटेंसिव स्टडी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इंटेंसिव स्टडी ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट्स, इसमें उन्होंने सिंपल ये बात की है कि मैंने कहा कि इंसान को इंडिविजुअली स्टडी किया जाना चाहिए, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो अच्छे से उस चीज को स्टडी नहीं कर पाते, अगर हम इंडिविजुअली एक चीज को स्टडी करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इधर नीचे भी उन्होंने बताया कि फिर ये इंपॉर्टेंट है कि जो हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक स्टाफ था उनके अंदर क्या रिप्रेजेंटेटिव्स पाई जाती थी कि साइकेट्री, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद फिर है डायग्नोस्टिक काउंसिल, डायग्नोस्टिक काउंसिल में उन्होंने बात की है कि जब आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपकी एक प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। काउंसिल से ये बात जाहिर हो रही है कि मतलब आप पहले एक मीटिंग करें, आप पहले किसी के साथ डिसाइड करें, जिसका आप डिफरेंट रेटिंग स्केल्स, डिफरेंट कैटेगरीज को सेट करें और डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करें, डिसाइड करें कि कौन सा इस्तेमाल करके आपने रिसर्च को करना है, मतलब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद आप तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी रिसर्च करें। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, पर्सनैलिटी को मेजर करते हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया, इसमें इंपॉर्टेंट ये कि सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट और रोस्टेक टेस्ट, और उसके बाद फिर जो आगे इन्होंने ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इन इन टेस्ट को अप्लाई किया, आई डोंट नो कि ये इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने याद करने हैं फॉर द बेस्ट तो आप लोग कर सकते हैं। सिंपल नाम्स और आगे उनके डेट्स बताई हुई है। रिप्रेजेंटेटिव स्टडीज, इसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरे है, हमने पहले भी पढ़ा कि उन्होंने इंसान की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किया और एज अ यूनिट इंसान को स्टडी किया, और फिर आगे इनके डिफरेंट जो मरेज का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये लॉन्ग वे तक इनके स्टूडेंट्स ने भी इसको स्टडी किया, जिसमें इनके पहले स्टूडेंट आते हैं वाइट, जिन्होंने 1963 से 81 तक रिसर्च की, और फिर ये इनका जो रिसर्च एजेंडा था वो फर्दर चला फार्मर स्टूडेंट्स में, जिसमें ये नाम लिखे हुए हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये भी आप लोग ने याद करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास PAR हैं और डोनाल्ड मैकिनॉन है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो रिसर्च इन्होंने की, मरे ने की, और इनके साथ जो इनके डिफरेंट कोलैबोरेटर्स थे, उन्होंने 200 पेजेस की रिसर्च की, ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने किस किस चीज पर रिसर्च की, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें इंटरव्यूज, मतलब के बच्चों के इंटरव्यू, सेक्सुअल डिवेलपमेंट और डिफरेंट क्वेश्चन करके नीड्स और हमारी जो स्पेशल एबिलिटीज होती हैं उन सब पर इन्होंने स्टडी किया। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि मरे ने जो बुक लिखी थी, सेकंड मेजर बुक द असेसमेंट ऑफ मैन, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। आगे हमारे पास है करंट रिसर्च में बात की कि इन दिस सेक्शन वी कंसीडर रिसर्च प्रोग्राम दैट आर डेरिवेटिव्स ऑफ मरेज मॉडल, जो मरेज मॉडल की बात हो रही है जिन्होंने रिसर्च की। आगे है एमसी क्लीवलैंड एंड सोशल मोटिव्स, आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि मरे ने नीड ऑफ अचीवमेंट पर स्टडी की, ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है, जो हमारी डिफरेंट अचीवमेंट्स के लिए हमारी जरूरियात होती हैं, और उसको स्टडी करने के लिए जिन्होंने दो टेस्ट इस्तेमाल किया वो था थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट डिवेलप किसने किया था, मॉर्गन एंड मरे ने 1935 में, ये भी आपने याद रखना है।
इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आपको बता भी दिया है, और बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि इस टेस्ट के अंदर किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा लेसन नंबर 31 था, और फिर भी अगर कुछ समझ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।